चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हरिश तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आज का बहुत ही शानदार आज के प्यारे से क्लास को लेके और आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही शानदार प्यारे से परिवार में जिसका नाम है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर तो साथियों आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे साइंस दी कैच दी साइंस क्वेश्चन के अंदर सीरीज के अंदर और मैं बता दू देखिए साथियों कि आज के हमारे जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों सेशन इंपॉर्टेंट है भैया क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको मैं देखिए बेटा कराने वाला हूँ सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को ठीक है चलो क्लियर सारी बात देखिए तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बेटा देखिए सेशन के बारे में और 25 क्वेश्चन मेरे पास में 25 क्वेश्चन का बड़ा बहुत ही प्यारा ये टेस्ट होने वाला है क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन यहां पे तैयार है इस बहुत ही बेहतरीन बेटा क्वेश्चन के साथ में मजा आने वाला लिटरी बता रहा हूं देखिए दूसरी बात ये साथियों कि हमारा फाउंडेशन बैच यहां पे चल रहा है अब हमारे ऐसे भाई बहन जो अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो देखिए बच्चे हमारे साथ में हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं क्यों क्योंकि इस फाउंडेशन बैच में बेटा आपको मिलने वाला है कतई जहर कंसेप्ट वास्तव में कतई जहर कंसेप्ट है इतना कंसेप्ट है कि तुम तो दूसरों सभी बाकी सबको मार दोगे गारंटी से बता रहा हूं ये वो क्लासेस हैं जहां पे आपको इस तरह का कंटेंट दिया जा रहा है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके सभी के सभी एग्जामिनेशन के अंदर मैं नहीं कह रहा आप जाके देखिए जाती हूँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसके नाम मैंने एक डेमो क्लास डाली हुई है आज मैंने शाम के पांच बजे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की डेमो क्लास ली थी आप देखिए ये सब के सब बहुत प्यारा है जो वहां दिया मैंने और यही चीजें कि आपको एप्लीकेशन पे जो लगातार पढ़ाई जा रही है ठीक है साथियों चलो तो शुरू करते हैं आज की इस बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ में चलिए पहला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर दिया गया जल्दी बताएगा सबके सब इतना शानदार प्यारा सा क्वेश्चन देखिए पूछा गया सुनो बेटा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है द ब्लड कोगुलेशन फैक्टर इज ओ भाई साहब ये बड़ा मजेदार देखिए फैक्ट है सुनो बेटा ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है देखिए बेटा रक्त को जमाने वाले को हम बोलते हैं ब्लड मतलब मैं बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि जिसके द्वारा बेटा रक्त को जमाया जा सके क्या बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं तो इसमें चार फैक्टर को याद कर लीजिए देखिए पहला जो फैक्टर होता है ना बात देखो इसमें इसमें टोटल हम कितने फैक्टर की बात करते हैं तो ब्लड ब्लड को जमाने के टोटल यहाँ पे तेरा फैक्टर है कितने फैक्टर देखिए तेरह फैक्टर होते हैं सुनो तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्त को जमाने के लिए यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर्स फैक्टर्स मिलते हैं तो हैं हैं देखिए जो यहां पे पाए जाते हैं। अब हम जब बात करेंगे साथियों ये फैक्टर पे मिलने वाले हैं। अब सुनो सबके साथ सब बहुत ही बढ़िया तरीके से से तो यहाँ पे कौन सा चौथा फैक्टर है जो माना गया देखिए पहला फैक्टर बेटा कौन सा है तो पहला फैक्टर है हमारा फाइब्रोनोजियन कौन सा फाइब्रोनोज है क्लियर सारी बातें दूसरा देखिए बच्चे कौन सा है तो दूसरा हमारा प्रोथ्रोम्बिन है तीसरा देखिए बच्चे कौन सा है तो तीसरा हमारे पास में थ्रोम्बोप्लास्टिन है और चौथा देखिए कौन बेटा तो चौथा हमारे के पास में कैल्शियम आयन है तो इस क्वेश्चन का जो सत्य आंसर यहाँ पे हो जाएगा ना वो यहाँ पे कैल्शियम आयन होगा तो कैल्शियम आयन इज द राइट आंसर देखो तो हम जब बात करेंगे तो, को तो, बी, बी तो पहला फैक्टर यहाँ पे फाइब्रोनोजन है जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है दूसरा देखिए बेटा प्रोथ्रोम्बिन होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है तीसरा यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है और चौथा फैक्टर देखिए कौन सा यहाँ पे कैल्शियम के हैं जो यहाँ पे काम करते हैं टोटल कितने फैक्टर देखिए बेटा तो आंसर टोटल तेरा फैक्टर होते हैं जिनसे हमारा ब्लड का जो कोगुलेशन है वो यहाँ पे हो जाता है ठीक है इसको समझिएगा तो रक्त का जो थक्का जमता है वो तेरा मानकों पर डिपेंड करता है अब मुद्दा ये बनता है ऐसा कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती भी है भैया वो कैसी होती है किस प्रकार से होती है उसको समझा दीजिए देखिए तो बेटा ब्लड की क्लॉटिंग के पीछे ना बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पे कारक काम करते हैं कैसे काम करते हैं इनको देखो ध्यान से बेटा सबके सब सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोबोप्लास्टिंग प्रोथ्रोम्बिंग मिलता है और यहाँ पे कैल्शियम के आयन मिलते हैं

अमीबा पे किसके द्वारा प्रजनन करता है देखिए अमीबा के अंदर बेटा होने वाली जो प्रजनन वो कैसे होती है तो अमीबा देखिए बेटा प्रजनन करता है किसके माध्यम से आंसर है द्विखंडन से बोलते हैं बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना जो प्रजनन क्रिया होती है वो बेटा द्विखंडन से होती है बाइनरी फिशन के माध्यम से की जाती है अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन था देखिए इस प्रकार से होता है ये हमारा अमीबा है तो अमीमा देखिए बेटा पहले फूलेगा टूट जाएगा फिर यहाँ पे दो नए अभिमा में टूट जाएगा इसे बोलते हैं दो नए डॉटर सेल्स का निर्माण कर देना ठीक है देखिए ध्यान से क्लियर सारी बात है जो परिनालिका होती है तो परिनालिका को ले जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बल इनमें से किस कारक पर देखिए निर्भर करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन के ध्यान से द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलोनाइड बेटा सोलोनाइड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन बीच फैक्टर क्या है? सारे हैं। जब बात करते हैं बेटा, तो बहुत सारे हम रोटेशन लगा देते हैं ठीक है हाँ बेटा सुनो पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट सेकंड है वो आने वाला है कल कल दोपहर के बारह बजे तो कल दोपहर के बारह बजे देखिए बेटा मैं आपके पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट नंबर सेकंड है वो लेके आने वाला हूँ आपने पहली वाली क्लास को बहुत ज्यादा प्यार दिया और उम्मीद करता हूं आपने वो क्लास देखी भी होगी है ना अच्छी तरह से ठीक है अब जरा पे देखिए देखिए सबके सब तो जो होते हैं बेटा उसमें नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है मतलब जितने ज्यादा घुमाव होंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़िया होने वाली है ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रकृति कैसा है हमारा पदार्थ कैसा है ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैसा करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी तो हम जब देखिए बेटा बात करेंगे तो इसके अंदर हम जब बात करते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स बता क्या है? तो ये के बारे में क्वेश्चन द काउंट ऑफ विच ऑफ इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इनफेक्शन देखिए जब इनफेक्शन होता है साथियों हो, तो इन्फेक्शन के समय किसकी मात्रा बढ़ जाती है डब्ल्यू बीसी की आरबीसी की प्लेटलेट्स की हीमोग्लोबिन की देखिए इन्फेक्शन का मतलब होता है कि बाहर से प्रतिजन आ चुके हैं मतलब एंटीजन आ चुके हैं अब इन एंटीजन को देखिए खत्म करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ेंगी और एंटीबॉडीज किसके द्वारा बढ़ती है बेटा आरबीसी से या डब्ल्यू से तो ये बढ़ती है डब्ल्यू से इसका मतलब है कि डब्लू बढ़ जाएंगी तो जब हमें इन्फेक्शन होता है देखिए एलर्जी होती है तो उस समय हमारे शरीर में डब्ल्यू की मात्रा बढ़ जाती है इसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए बेटा ल्यूकोसाइट बोलते हैं क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट बोलते हैं

अब देखिए ये हमारे पांच प्रकार के देखिए पहला है न्यूट्रोफिल वे देखिए बच्चे कौन सा है इसेोफिल्स है अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ छोटा सा फट कि इन्फेक्शन में इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है वे देखिए बेटा बेसोफिल्स होने वाले हैं लिम्फोसाइट होने वाले हैं और लास्ट में मोनोसाइट होने वाले हैं तो ये हमारे पास में पांच तरह के डब्लू है जो मिलने वाले हैं ठीक है बेचारा एक हमारा ना बालक बहरा हो गया साथ ही उसका नाम है अनूप कुमार वर्मा उसको आवाज ही नहीं आ रही है बेटा मुझे अप्रैल फुल मत बनाओ मैं बहुत उस्ताद आदमी आदमी साहब ठीक है अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही बेटा तो सॉरी तुम्हें अपने कानों की जांच करानी चाहिए है ना बेचारे को समझाओ बेटा बेचारे के कान खराब हो गए उसके बाबू सुना ने इतना उसके कान के पर्दे फट गए हैं बेचारा क्या कर सकते हैं अब तुम्हारे साथ में है ना देखो दान सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से डिफिशंसी ऑफ द अंडर मैं विटामिन क्रैकिंग ऑफ द लिप्स इन द्यूम देखिए हमारे हमारे जो होट होते हैं साथियों हमारे जो होठ होते हैं वो किस कारण से फट जाते हैं किसी कमी से फट जाते हैं विटामिन ए की कमी से विटामिन बी टू की कमी से विटामिन के की कमी से या विटामिन सी की कमी से जल्दी बताइए देखिए सबके सब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे होठ फटना शुरू हो जाते हैं देखिए बेटा हमारे होठ फटते हैं हमारे सिंपल सी बात है पानी की कमी से और हमारे शरीर में पानी को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो विटामिन बी टू की होती है तो विटामिन बी टू की कमी से हमारे शरीर के अंदर की होट वोट पटना शुरू हो जाएंगे विटामिन ए की कमी से होता क्या है हमारे शरीर में रेटिनॉल की कमी हो जाती है तो हमें अंधापन फील होता है रात्रि का अंधापन जिसे रतौंदी कहते हैं विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और विटामिन सी की कमी से बेटा बीमारी होती है जिसे बोलते हैं स्कर्बी क्या बोलते हैं स्कर्बी लॉजिकली सारी बातें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है देखो प्रतिरोधक 800 ओम से एक गर्म हो रहे तत्व तो में उत्पन्न ऊर्जा जूल में जूर में कितनी होगी जब 0.2 पॉइंट का विद्युत प्रवाह 40 सेकंड के लिए इसके माध्यम से गुजरता है क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सर हीट जनरेटेड कितनी होने वाली है जब यहाँ पे 800 सौ रजिस्टेंस आठ ओम का रजिस्टेंस दिया देखिये हम जरा समझते बोला क्या देखिये हमसे देखिए बेटा आर की वैल्यू कितनी दी है तो हमें देखिए यहाँ पे R की वैल्यू सीधी सीधी कितनी दी बेटा देखिए 800 ओम दी है बोलो हाँ देखो एट हंड्रेड ओम हमें इसकी वैल्यू दी तो है ठीक तो है यहाँ पे देखिए पूछा गया आई की वैल्यू तो आई हमें देखिए बताना चाहूंगा बेटा बनता है हमारा हीट का क्या बनता है हीट का बनता है से. तो हमारा हीट का देखिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एच इज टू आई स्क्वायर आर टी ये हमारा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला देखिए जो बनकर तैयार होगा अब कुछ नहीं करना हमें बस यहाँ पे सॉल्व करना देखिए तो एच की वैल्यू कितनी होगी आई स्क्वायर तो ये जीरो पॉइंट टू का देखिए स्क्वायर सिंपल सी बात है एन टू देखिए आर आर दिया देखिए आठ सौ और ये दिया देखिए बेटा हमारा कितना है चालीस सिंपल सी बात है अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो इसका मुझे आंसर जो लग रहा है देखिए कितना आएगा तो ये हमारे देखिए बत्तीस बत्तीस आठ सौ के बत्तीस बत्तीस इंटू चार बेटा ये हमारा देखिए आना चाहिए बारह सौ अस्सी तो बारह सो अस्सी इज राइट आंसर लगा दीजिएगा बी तो बी इज अ राइट आंसर सॉल्व कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा ठीक है बारह सो अस्सी देखिए जूड इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट देखिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए सब सब। कि no, no, no कितना है तीन ओम है कितना है? तीन ओम है।, कितना है तीन ओम है सिंपल सी बात है तो हमें बताना यहाँ पे क्या एक्स का मान कितना होगा इसको जरा बता दीजिए देखिए छोटा सा पॉइंट है अब इसको निकालना देखिए बड़ा आसान है पता है इसको निकालना बड़ा आसान कैसे आप चाहें तो लॉजिक से भी निकाल सकते हैं देखिए लॉजिक से कैसे निकालेंगे बेटा देखिए छोटा सा पॉइंट देखिए बताना चाहता हूँ सुनो अगर मान लो फॉर एक्साम्पल देखिए बेटा हम जब बात करते हैं देखो हमें आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हमें आर एन निकालना है क्या निकालना है? आर एन निकालना है तो आर एन की देखिए बेटा वैल्यू होती है आर अपॉन देखिए बेटा यहाँ पे संख्या देखिए आर अपॉन एन की वैल्यू होती है आर एन ये हमें दी है देखिए बेटा तीन सुनो ध्यान से यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है देखिए आर की वैल्यू दी है एन तो हमें एन निकालना पड़ेगा अब ये एन का मतलब क्या है बेटा एन का मतलब है तीसरा प्रतिरोध कितना होगा तो आप देखिए सिंपल सी भाषा में निकालेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी देखो अब हम निकालते हैं देखिए की जो तीसरा प्रतिरोध कितना होने वाला है ये निकालने पड़ेंगे। इसको निकालेंगे कैसे इसको जरा समझने का प्रयास करना बहुत ईजी देखिए तरीका बन जाता है सुनो देखो तीसरा तरीका क्या है मैं तो आपको छोटा सा पॉइंट देखिए बताना सुनो आप जरा समझने का प्रयास करना जब ये तीन इसका टोटल देखिए बेटा तीन दिया है बोलो आया ना तीन दिया है अब ये तीन कैसे आएगा देखो जब नौ नौ और नौ तीनों प्रतिरोध को जोड़ोगे किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में।, में जोड़ोगे तो तीनों को देखिए ऐसे जोड़ेंगे ना सिंपल सी बात बाई नाइन प्लस के प्लस वन बाय नाइन सिंपल सी बात है एलसीएम कितना आएगा नाइन आएगा ये थ्री हो जाएगा तो ये हमारा वन बाय थ्री होगा अब देखो सुनो ध्यान से अगर जब तीसरा प्रतिरोध नौ होगा तभी आंसर हमारा टोटल कितना देखिए तीन आएगा सिंपल सी बात है तो इस वाले क्वेश्चन में हमने लॉजिक से समझा यहाँ पे कि इसका आंसर देखिए बेटा कितना होना चाहिए तो इसका आंसर डी होना चाहिए क्यों अगर तीनों प्रतिरोध यहाँ पे नौ नौ के होंगे तभी एलसीएम को सॉल्व करने पर देखिए हमारा जो टोटल नेट रजिस्टेंस है वो तीन आएगा जो हमसे क्वेश्चन में दिया गया है तो आप इस तरीके से लॉजिकली भी इसको यहाँ पे समझ सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बेटा लॉजिकली कर सकते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ठीक है छोटा सा पॉइंट है सातवा क्वेश्चन हो गया हमारा आठवा क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से कि वायुमंडली नाइट्रोजन को स्थिर करने के बाद पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट को किसमें परिवर्तित करते हैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि वायुमंडल के अंदर देखिए जो प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं वायुमंडल स्थिरीकरण की प्रोसेस ठीक है फिर क्या होगा देखिए से आपको मैं ये बताना चाहता हूं बेटा छोटा सा पॉइंट देखिए से सुनो कि हम लिखे बेटा जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन सुनो सुनिखो हम लिखे बेटा जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के थ्रो देखिए बेटा नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है और इसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए बेटा बोलते हैं इसको देखिए है, हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो इस प्रोसेस को देखिए बेटा हमने एक नाम दिया है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया अब मान लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया पूरी हो जाती है पूरी हो चुकी है अब क्या करेंगे तो अंत में साथियों बनने वाला जो उत्पाद होता है देखिए उसको बोलते है, है? हैं अमीनो एसिड क्या बोलते हैं अमीनो एसिड बोलते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ देखिए बेटा छोटा सा पॉइंट कि नाइट्रोजन के द्वारा बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें लास्ट में यहाँ पे सबसे लास्ट में साथियों जो यहाँ पे पदार्थ का निर्माण होता है वो यहाँ पे किसका होता है तो आंसर है अमीनो एसिड का होता है इस बात को जरा समझने का प्रयास करना तो इसका सत्य आंसर हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो बी इज द राइट आंसर ठीक है बालक चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से देखो तो आप जरा यहाँ पे खुद ही देखिए जो नाइट्रोजन साइकिल बेटा देखिए होती है तो इस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर लास्ट में हम जब बात कर देखिए तो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में यहां पे जाने वाला है ठीक है छोटा सा पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से सबके सर चलो अच्छा एक काम करोगे सबके सब एक छोटा सा काम करोगे देखो मैं आपको बताऊँ छोटा सा पॉइंट काम करोगे सबके सब इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क दोगे मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ मुझे होमवर्क में निकाल के दिखाएगा सबके सब मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक तो आंसर मुझे होमवर्क करें मैं आपको उसकी बेसिक सारी इंफॉर्मेशन देखिए बता देता हूँ सुनो देखिए बेटा सुनो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है क्या पूछा दी पावर ऑफ द्स लेंस देखिए कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो पावर पॉजिटिव होगी जिसमें इमेज बेटा कहाँ बनती, बनती है देखिए डिस्टेंस बनती है बीस सेंटीमीटर की फ्रॉम दी लेंस एंड दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दी अदर साइड ऑफ दी 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर इस बात को जरा समझने का प्रयास करना देखो क्या बोल रहा है फाइंड दी पावर ऑफ दी कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस वेन दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दी अदर साइड एट दी लेंस ट्वेंटी सेंटीमीटर From the optical center. ये बात बात पे जा रही है, इस को आपको मैं छोटा सा पॉइंट देखिए बेटा बताना चाहता हूं सुनो देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा देखिए वो होता है हमारा वन बाई एफ ये हमारा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला बनता है हमें पहले एफ की वैल्यू निकालनी है अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एफ की वैल्यू निकाले कैसे तो फॉर्मूला बनेगा वी माइनस सी बात को जरा तो फॉर्मुला है।, है? है अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना देखिए आपको यहाँ पे v और u की जो वैल्यू वो दी गई है आपको v और u की वैल्यू दी गई है भैया कितनी कितनी दी गई है बता दीजिए कितना दी से बेटा v की वैल्यू दी है देखिए 20 सेंटीमीटर तो वी की वैल्यू देखिए ट्वेंटी सेंटीमीटर है कितनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर है आपको मैं बता रहा हूँ छोटा सा पॉइंट और यू की वैल्यू कितनी है तो बेटा यू की वैल्यू देखिए माइनस की पच्चीस सेंटीमीटर है क्यों क्योंकि हमारा लेंस कैसा आंसर बेटा तो आंसर है कॉन्वेक्स लेंस है कैसा है कॉन्वेक्स लेंस है अब क्वेश्चन मत करो इसकी वैल्यू हम सिंपल सिंपल तरीके से निकालते हैं छोड़ो मैं कर ही देता हूँ देखिए ध्यान से वन बाय निकालेंगे तो ये वन बाय देखिए बेटा वी हमारा बीस जाएगा ये माइनस के देखिए माइनस के एक बट्टे यहाँ पे कितना देखिए पच्चीस क्यों क्योंकि हमने क्या माना देखिए बेटा यू की वैल्यू माइनस के पच्चीस क्यों मानी है क्योंकि कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स के अंदर इसकी वैल्यू देखिए ये मांग के चलते हैं थोड़ी सारी बात है अब आप देखिए इसको जरा सॉल्व करते देखिए ध्यान से जब सॉल्व करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ सबके साथ सौ मान लेते हैं देखिये यहाँ पे हमारा जो एलसीएम देखिए बेटा कितना देखिए सौ मान ले हम लोग सौ मान लेते हैं तो ये देखिए हमारा पांच ये देखिए बेटा चार तो ये हमारा देखिए बेटा नौ बट्टे सौ सिंपल सी बात है तो एफ की वैल्यू कितनी होगी देखिए बेटा एफ की वैल्यू कितनी होने वाली है सेंटीमीटर में सो बटे नो मान लिया है अब कुछ नहीं करना देखिए पावर निकालना है बेटा पावर देखिए पावर सुनो तो पावर की वैल्यू क्या होती है पावर होती है सो बटे नो सिंपल सी बात देखिए अब सेंटीमीटर में है तो ये सौ हो जाएगा सो से सौ कैंसिल तो पावर की वैल्यू देखिए बेटा क्या हो जाएगी तो पावर की वैल्यू हमारी नौ डी हो जाएगी तो पावर की वैल्यू हमारे नौ डी लगा तो नौ डी किस में राइट आंसर सी आ गया इजी क्वेश्चन था बहुत ईजी तरीके से हो गया ये तो बहुत ईजी तरीके से हो गया ये तो सौ सेंटीमीटर में ना और पावर जो होती है बेटा वो मीटर में होती है तो वन अपॉन एफ मीटर में था मैंने एक मीटर को सौ में चेंज कर दिया तो उसका आंसर देखिए बेटा सौ बाय सौ कैसे हो जाएगा ये कौन से महान लोग सब ये जो सौ बाय सौ कर रहे हैं इसको अच्छा मैंने क्या अच्छा मैं समझ गया तुमने क्या गलती की तुमने यहाँ पे इसके प्लस की जगह माइनस कर दिया होगा तभी तुम्हारा आंसर गलत आया आया होगा है ना हाँ। तभी आंसर गलत होगा क्योंकि ये नहीं पता होगा ना सिंपल सी बात है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू की वैल्यू बेटा निगेटिव होती है ये पता नहीं होगा और इतना नहीं समझते हो तो जो प्लस में आना चाहिए वो माइनस में आ गया हो तुम्हारा आंसर तो ये वन बाय सो गया होगा तो तुम्हारी एफ की वैल्यू बेटा सो आई होगी बहुत बढ़िया समझ रो मुझे पता है गलती कहाँ की तुम लोगों ने तुमने गलती की यहाँ पर तुम्हारा एफ आया तो सौ और मेरा बेटा एफ आया नौ बटे सौ ये सौ बटे नौ समय आ गया गलती कहाँ पर है ये गलती है जो एग्जाम में तुम्हें नहीं करनी है ठीक है बालक जो गलती तुम एग्जाम में नहीं करनी यहाँ कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया अपने मान जाएंगे एग्जाम वाला नहीं मानेगा तुमसे तुम बता रहे हो बेटा तुम सबके सब, सब नालायक ही हो ठीक है अच्छा एक बार ना मेरे जो नालायक विद्यार्थी है मेरे नालायक छोटे भाई बहन कमेंट कर देना सबके सब एक बार अपना अपन दिखा देना यहां मत दिखाना कमेंट में दिखा दीजिएगा सबके सब ठीक है चलो क्वेश्चन देखिए बताइए वी आकार के जो गुणसूत्र बेटा वो कौन से होते हैं मतलब वी आकार के गुणसूत्र की बात की जा रही है हमारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनके बेटा बहुत सारे आकार मिलते हैं ठीक है मैं बताना चाहता था कि जो मेटासेंट्रिक होते हैं उनका आकार कैसा होता है वी होता है भैया ये कैसे पता चलेगा मैं हाउ डू वी नो मैं बता रहा हूँ आप यहाँ देखिए ध्यान से बालक ये सेंट्रोमियर है Centromere वो पॉइंट होता है जहां पे क्रोमोसोम्स आके जुड़ जाते हैं अब देखिए जो मेटासेंट्रिक है साथियों हमारा मेटा सेंट्रिक जो हमारा ऑप्शन है क्या यहाँ पे क्रोमोसोम को वी के बी लाख के नजर आने वाले भैया नजर तो आ रहे हैं सही बात है अब देखिए बेटा हमारे पास में सब मेटा सेंट्रिक अब इसके अंदर हमारी एक भुजा बड़ी हो जाती है और दूसरी भुजा छोटी हो जाती है फिर देखिए हमारे पास में एक्रोसेंट्रिक है इसमें लगभग लगभग खत्म होने वाला होता है ना और फिर देखिए बेटा हमारे पास में टेलोसेंट्रिक है इसमें जो सेंट्रोमियर है एकदम तो टॉप पे पहुंच जाता है एंड सिरे पे पहुंच जाता है उसे बोलते हैं कौन सा टेलोसेंट्रिक तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं वीआ किस का किस्में देखने को मिलेगा तो आंसर यहाँ पे क्या है बच्चे तो आंसर है मेटासेंट्रिक में ये क्रोमोजोम की हमारी प्रवृत्ति होती है जो मैंने आपको बता दी है ठीक है बालक देखिए नेक्स्ट बताइए कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच करने के लिए हम किस रसायन का उपयोग करते हैं कि हमारे खाने में प्रोटीन है कि नहीं है हमें कैसे पता चलेगा भैया कैसे पता चलेगा तो आपको बताऊं कि इसके लिए साथियों हम देखिए यूज करते हैं कॉपर सल्फेट का और कॉस्टिक सोडा का तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा सबसे अच्छे देखिए माने गए हैं बेटा क्या माने गए हैं पदार्थ माने गए हैं जो यहाँ पे प्रोटीन की बात जांच को पता लगाते हैं इसको ना एक टेस्ट कहा जाता है जिसे ब्यूरेट टेस्ट बोलते हैं सुनो मैं बता रहा हूँ अगर मान लीजिए कोई हमारा खाद्य पदार्थ है और उस खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन की मात्रा हमें पता करनी है तो हम क्या करेंगे कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डाल देंगे इससे देखिए साथियों जो रंग होता है वो बैगनी हो जाता है क्या यहाँ पे बैगनी रंग हो जाएगा सुनो ध्यान से तो नीला रंग होता है इसका और नीले से देखिए क्या हो जाएगा तो आंसर है बै, बैंगनी रंग हो जाएगा तो मैं ये बताना चाहता हूँ इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये है कि नहीं है ठीक है इस बात को जरा समझिए छोटा सा पॉइंट है क्लियर तो सारी बात तो हमारे भोजन में प्रोटीन है कि नहीं है हमें कैसे पता चलेगा भैया तो इसको पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं देखिए बालक तो आंसर है यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का जो टेस्ट है वो यहाँ पे करते हैं अच्छा क्वेश्चन है

तो ये डिपेंड करती है इसके एक्रोसोम पर ये एक्रोसोम वो पदार्थ है जहां पे इसके सारे के सारे जो गुणसूत्री प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे तो आप देख पाएंगे ना ये हमारा स्पर्म देखिए शुक्राणु है तो शुक्राणु का ये जो सिरा वाला भाग होता है इसके अंदर देखिए लिक्विड भरे रहते हैं और इसी को हम जब बच्चे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं एक्रोसोम मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको अग्र पिंड यहाँ पे जो पिंडक यहाँ पे जो वेद केशी होता है उसको यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है ठीक है ये फैक्ट जरा समझिएगा इसे बेटा एक्रोसोम मेम्ब्रेन यहाँ पे कहा जाता है

पादप कोशिकाओं के अंदर ये भी समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में ही पाए जाएंगे देखिए तो आंसर है इंसिडेंट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हम देखिए डाल रहे हैं तो वह कौन कौन सा होगा जिसपे वो परिवर्तित हो जाएगी बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए पूछा गया सुनोधान से बेटा देखो ध्यान से हम जब बात करेंगे इजी क्वेश्चन ये तो ये समतल दर्पण है अब देखो बेटा समतल दर्पण है ये ये हमारी लैटरी आई सिंपल सी बात है तो लैटरी जब आएगी तो इसी एंगल से वापस हो जाएगी तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा देखिए बालक तो आंसर होने वाला है जीरो डिग्री क्यों जीरो डिग्री देखिए तो हमेशा एंगल जो मापा जाता है वो कहाँ से मापा जाता है नॉर्मल से मापा जाता है और ये तो भैया हमारे नॉर्मल के समानांतर है अगर कोई चीज यहाँ पे नॉर्मल के समानांतर है तो बातें जीरो, तो जीरो बाते, क्वेश्चन था ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो है ना अगर आप सब समझ पाएंगे तो ठीक है नेक्स्ट देखिए बताइए इनमें से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है क्वेश्चन पूछा गया कि भैया प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है देखिए यहाँ पे लेप्टिन है केरेटिन है एल्बुमिन है या फिर देखिए इंसुलिन है अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं साथियों तो ये हमारे देखिए ब्लड प्लाज्मा की बात करने वाले हैं और ब्लड के प्लाज्मा में साथियों पाया जाने वाला जो देखिए प्रोटीन है वो कौन सा है तो वो हमारा एल्बुमिन है आपको बता दूं कि हमारे प्लाज्मा का 60 परसेंट जो पार्ट होता है वो इसी से बनता है तो एल्बुमिन वो प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में मिलता है 60 परसेंट ये इसका देखिए निर्माण करता है इस बात को जरा समझो अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है नेक्स्ट देखिए बताइए इनमें से साथियों कौन सा कोशिकांग है जो यहाँ पे गलत सुमेलित है मतलब इनमें से कौन सा गलत, गलत है गलत किया गया गलत किया गया क्या बोल रहे हैं आप लोग जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर सबके से एक बार देखिए बालक सुनो देखिए ध्यान से जरा समझ गया कौन सा देखिए गलत है उसको हम जरा समझते हैं कौन सा गलत बोला गया बहुत आसानी से बता सकते बता सकते हैं बताइए जल्दी से देखो को बेटा आत्मघाती थैरी बोलते हैं यही बात है माइक्रोकॉन्ट्रिया को पावर हाउस बोलते हैं सही बात है रसधानी को देखिए संग्राह बोलते हैं सही बात है लेकिन क्या प्लाज्मा झिल्ली को, को देखिए रक्षक बोलते हैं नहीं ये गलत जवाब है तो इसमें डी हमारा देखिए कैसा देखिए बेटा गलत है ये बात आप जरा यहाँ पे समझिएगा ठीक है क्लियर सारी बातें बोलो हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से मुझे कॉमेंट के अंदर चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा चलते हैं ये सारी सारी बातें की हो गई हमारी चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या सुनो द बाय बुचेरिया देखिए बात बेटा बुचेरिया के द्वारा हम जब बात करते हैं तो हम जब बात करते हैं तो बुचेरिया के द्वारा कौन सी डिजीज है देखिए जो मिलने वाली है सिंपल सा क्वेश्चन है कि बुचेरिया जो बीमारी होती है वो कौन सी डिजीज की बात यहां पे करते हैं जल्दी बताइए डिसीज कॉस्ड बाई द बुचेरिया देखिए बेटा हम जब बात करने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए बेटा कौन से हम देखिए जब बात करते हैं तो कौन सी बीमारी है बड़ा बुचेरिया के द्वारा होने वाली जो बीमारी बड़ा कौन सी फायलियरासिस है अभी जो फाइलियर बीमारी वो कौन सी होती है इसको ना से आपने कभी हाथी पाओ का नाम सुना होगा तो उसमें देखिए पे होने वाली जो बीमारी है वो ये मिलती है हाथी पाओ वाली बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में देखिए होता क्या कि है कि इंसान के जो हाथ पाओ होते हैं वो इस प्रकार से बन जाते हैं इस बात को जरा समझने का प्रयास करें बेसिकली बुचेरिया के द्वारा होने वाली बीमारी में से एक मानी जाती है क्लियर सारी बात यहाँ तक की बोलो हा ठीक है बालक अच्छा ठीक है देखिए बताइए इनमें से कौन सा देखिए बेटा विटामिन है जिसको हम एंटी विटामिन भी बोलते हैं मतलब रोधी विटामिन भी कहते हैं बेटा ये वो विटामिन है जिसकी कमी से अगर कमी हो जाती है तो इंसान की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है मतलब इंसान के शरीर में जो यहाँ पे प्रजनन क्षमता वो घट जाएगी तो वो देखिए बेटा कौन सा विटामिन है वो है विटामिन ई अब आपको मैं बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि विटामिन ए को भी तो भैया ये कहते हैं नहीं बेटा विटामिन ए देखिए एंटी स्टलेटी नहीं है वो एंटी इन्फेक्टिव है मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाता है लेकिन एंटी एंटीस्टलेटरी और एंटी फर्टिलिटी विटामिन देखिए कौन सा विटामिन ई e है जैसे कमी से ये मैंने बात बता ये छोटा सा बता दिया ठीक है ये आप जरा यहाँ पे समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए वो कौन सी बेटा स्टेट होती है जिसमें क्रोमोजोम्स को देखिए अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में हम बात करेंगे साथियों तो वो कौन सा यहाँ पे अवस्था होती है जिसके अंदर यहाँ पे जो क्रोमोजोम होते हैं वो एक प्लेन के अंदर के बेटा अलाइंट हो जाते हैं तो वो अवस्था है हमारी कौन सी मध्य अवस्था जिसे बोलते हैं मेटाफेज और ये वो अवस्था होती है जिसके अंदर आप यहां पे कोशिका विभाजन को बहुत ही बढ़िया तरीके से देख भी सकते हैं तो यहाँ पे जो मेटाफेज होता है ये कोशिका विभाजन में देखे जाने वाला सबसे बढ़िया फेज होता है और इसी फेज के अंदर हम जब बात करेंगे तो आप यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर साथियों यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर जो यहाँ पे पाए जाने वाले गुणसूत्र जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे कोशिकांग होते हैं उनको सही तरीके से अलग से देख भी सकते हैं इसको जरा समझिएगा क्लियर सारी बात है चलो ये हमारा छोटा सा पॉइंट था नेक्स्ट देखिए बताइए द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर हम पुष्प के अंतरतम भाग की बात करते हैं द इनर मोस्ट पार्ट की बात करते हैं तो किसी भी फूल के जो अंदर सबसे अंदर वाला पार्ट है वो कौन सा देखिए तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो कौन सा देखिए तो वो हमारा होने वाला है कौन सा पिस्टिल का क्यों देखिए पिस्टिल की हम जब बात करते हैं तो पिस्टिल के अंदर यहाँ पे तीन हिस्से मिलेंगे कौन कौन से मिलने वाले हैं तो पहला है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और सबसे अंदर वाला भाग देखिए ओवरी का है अब ये ओवरी मिस का पार्ट रखिए बेटा तो आंसर है पिस्टिल का पार्ट है तो इस क्वेश्चन का जो सत्य आंसर देखिए वो स्त्री केसर हो जाएगा अब ऑप्शन के अंदर हम जब बात करेंगे ना बालक तो ऑप्शन के अंदर देखिए ओवरी नहीं दिया गया है इन्होंने ओवरी की जगह पे पिस्टिल दे दिया है आप तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं क्लियर सारी बात अच्छे क्वेश्चन में से एक है जो बन जाता है गलती मत करना पहले बता रहा ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं आज देखिए नेक्स्ट बताइए साथियों हम जब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जो एसिड है साथियों वो देखिए प्रबल माना गया स्ट्रोंग माना गया नेचर में एसिडिक है फॉर्मिक है कार्बोनिक है या नाइट्रिक है अब देखिए हम जब बात करेंगे साथियों तो सबसे ज्यादा इनमें से इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वह हमारा नाइट्रिक एसिड है क्यों क्योंकि ये देखिए बालक एक तरह के खनिज पदार्थों में शामिल है खनिज अम्ल में शामिल है बाकी सारे के सारे जो है वो कैसे हैं वो देखिए प्राकृतिक अम्ल है है बोलो हां या ना लेकिन हम इस तरह के जब एसिड की बात करते हैं तो ये हमारे किस में शामिल खनिज अम्ल में शामिल है जो यहाँ पे शामिल किए जाएंगे तो दीज आर दी यहाँ पे दीज आर दी एसिड जो किस में बेटा शामिल दिखे तो हमारे खनिज अम्ल में शामिल किए गए हैं ठीक है तो किस का आंसर हमारे देखिए ये हो जाएगा नेक्स्ट देखिए बताइए चिकन पॉक्स यहाँ पे किसके कारण देखिए होने वाली बीमारी है देखिए जल्दी बताइएगा साथी सबके सब यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पेरिसोला जोस्टो वायरस है जोस्टो वायरस है ठीक है या फिर देखिए बेटा हमारा वाइब्री कोलेरी है या फिर देखिए हम जब बात करते हैं टाइफी नामक बीमारी से होता है बताओ जल्दी से सबके सब इजी क्वेश्चन ही तो आप सब आंसर बता सकते हैं मुझे ठीक है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं आपको बता दू कि यहाँ पे दुनिया के अंदर ये एकमात्र ऐसी बीमारी हटाया जा चुका है हटाया गया है इसको भी जरा समझो ये एकमात्र ऐसी बीमारी जिसको हटाया गया है बाकी कोई बीमारी यहाँ पे देखिए नहीं हट पाई ये तक ठीक है चलो साधारण नमक का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण के लिए कच्चे मांग के तौर पे रूप में नहीं किया जाता हम देखिये यूज नहीं करते हैं कच्चे माल के तौर पे किसके उसका इस्तेमाल नहीं करते ये पूछा गया छोटा सा पॉइंट है देखिए अब देखिए साधारण नमक की बात करते हैं सुनो देखिए नमक का इस्तेमाल पे इज नॉट एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑफ कंपाउंड देखो बेटा सुनो ध्यान से ब्लीचिंग पाउडर में नमक का इस्तेमाल होता है सही बात है जिप्सम में नहीं होता बेकिंग पाउडर में हो जाता है धुलाई के सोडे में हो जाता है तो इसका सत्य आंसर बेटा जिप्सम हो जाएगा तो जिप्सम के निर्माण के लिए आप कहीं पर भी किसी प्रकार से देखिए साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये फैक्ट आप जरा यहां पे समझो ठीक है चलो इजी क्वेश्चन था ये भी चलो नेक्स्ट देखिए बताइए तेज गति से चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करती है

और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कि है, कि हम है, तो है किस ईयर में दिया हुआ है तो ये दिया था वर्ष उन्नीस सौ पांच में नाइनटीन जीरो फाइव में तो नाइनटीन जीरो राइट आंसर इसको जरा समझिए ठीक है छोटा सा पॉइंट था तो बालक ये था हमारा देखिए छोटा सा प्यारा सा टेस्ट मैंने आपके साथ यहाँ पे किया पच्चीस क्वेश्चन का बेटा देखिए हमारा छोटा सा पहला सा टेस्ट था मैं ये बताना चाहता हूं देखिए कि अगर जिनका स्कोर बेटा आज के टेस्ट में देखिए बीस से कम है जिनका बीस प्लस है वो ठीक ठाक है वो बढ़िया तैयारी चल रही है लेकिन जिनका स्कोर देखिए बेटा आज के टेस्ट में बीस से कम है तो मैं बता दूं देखिए बेटा तो थोड़ी सी समस्या वाली बात है आपको अपने फाउंडेशन पे मेहनत करनी पड़ेगी आपका फाउंडेशन थोड़ा सा खराब है बहुत ज्यादा खराब है मैं झूठा नहीं बोलूंगा चलो अभी दो से तीन बातें जरा समझ से बेटा कल दोपहर के बारह बजे कल दोपहर के बारह बजे मैं क्लास लेने वाला हूँ और वो हमारी देखिए बेटा क्लास होने वाली है पीरियोडिक टेबल की सुनो तो मैं देखिए बेटा क्लास लेने वाला हूँ किसके आंसर है पीरियोडिक टेबल की यहाँ पे क्लास लेने वाला हूँ यहाँ पे जरा समझिए ठीक है दूसरा पॉइंट सुनो अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे चाहता हूं देखिए बेटा सुनो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताओ कि भैया तुम्हें कैसे क्वेश्चन करने टेस्ट करने हैं या किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए साथियों मैं उसी तरह के क्वेश्चन है जो लेके आने वाला हूँ उसी तरह के क्वेश्चन ले रहा भैया सिंपल सिंपल क्वेश्चन मतलब या तो आप बोलते हैं भैया कि या आप मुझे सीधे सीधे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा या भैया खतरनाक वाले क्वेश्चन कराइए आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करा दूंगा मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ लेकिन इसके लिए बेटा कॉमेंट करना पड़ेगा आपको ठीक है आप जो चाहते हैं आप जो भी चाहते हैं पढ़ने के लिए आप मुझे बताइए यकीन ये इस परिवार पे आपने भाई का रूप देखा हुआ है आपका भाई हर तरह के क्वेश्चन कराने में सक्षम है डोंट वरी भाई बस ये चाहता हूं देखिए साथियों बातें हैं जो इंपॉर्टेंट YouTube पे वही विद्यार्थी आता है जो वास्तव में पढ़ना चाहता है देखिए जो जो होशियार विद्यार्थी होता है ना साथियों वो कहीं से भी पढ़ लेगा जो होशियार विद्यार्थी है वो मेरे बिना भी पढ़ लेगा लेकिन मैं उनका सहारा हूं जो बेटा कहीं और नहीं पढ़ पा रहे तो दोनों में अंतर है समझ तो में आ रहा है मैं एक दो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं करूंगा नहीं करूंगा जो एक दो होशियार विद्यार्थी हैं जो बोलते भैया लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दो मुझे पता बेटा नहीं आने वाला उन सब में से लेकिन आप में से मेरे ऐसे बहुत से छोटे भाई बहन हैं जिनका आश्रय ही मैं हूं तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ अपने फाउंडेशन को मजबूत कर पा रहे हैं तो मैं उनके लिए फोरा फाउंडेशन मजबूत कराऊ उनके लिए ठीक है बाकी आप जो कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपके हर चीज कराने वाला हूँ ठीक है तो साथ ये पढ़िए क्योंकि ये परिवार क्वालिटी एजुकेशन का परिवार है और यहाँ पे आपको मिलने वाली बेस्ट फाउंडेशन चीज है तो जिनका स्कोर बेटा बीस से कम रहा है मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अपने फाउंडेशन पे फोकस करो क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन पे बहुत मेहनत की आवश्यकता है मिलते हैं कल रात के दस बजे लेकिन इससे पहले आपको कमेंट चाहिए कि वो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं कैसे क्वेश्चन समझने हैं आपका भाई बेटा उसी तरह को के क्वेश्चन को लेकर आने वाला है ठीक है तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे तब तक के लिए टेक केयर घर पर रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत राधे राधे